हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम FCS सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनीज के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस, बता दें इस कंपनीज के सारे NLIC एंड ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो आपको इसमें रिस्क नहीं हो सकता है। बट कभी भी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका करंट प्राइस आप देख सकते हो, ₹4 इसका करंट प्राइस है। एंड इसका टुडे जो रिटर्न रहा है 3.90% रहा है। एंड इसका फाइनेंशियल सर्विस देखा जाएगा, इसका स्थापना हुआ था 5 मई 1993 में। इसका स्थापना हुआ था हेडक्वार्टर नोएडा में, हेडक्वार्टर है। एंड इस कंपनीज को सपोर्ट करती है इंसाइनिक बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड, जो ऑलमोस्ट ये फेमस कंपनीज है। एंड अब आपको इसकी मेन वेबसाइट पे लेके चलते हैं, वहीं पे सारा एनालिसिस आपको इन्फॉर्म हो जाएगा। आ चुके गाइस इसकी मेन वेबसाइट पे skinner.com पे। एंड ये स्टॉक आपको दोनों एक्सचेंज पे अवेलेबल है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो, 684 करोड़ इसका मार्केट कैप होता है। एक साल में हाई प्राइस गया था ₹9 एंड इसका लो प्राइस गया था 61 पैसे के अराउंड इसका लो प्राइस गया था। एंड इसका फेस वैल्यू आप देख सकते हो ₹1 है जब मार्केट में लिस्टेड हुआ था। एंड इसका आप मैक्सिमम रिटर्न देख सकते हो कितना ज़्यादा इसने ऑलमोस्ट इसका प्रॉफिट हाई गया था। इसका हाई प्राइस गया था ₹11 के अराउंड इसका हाई प्राइस गया था, जो इन्वेस्टरों ने इस स्टॉक से अच्छे खासे सेल आउट करके प्रॉफिट बुक किए थे। एंड इसका मीडियम में इसका पी रेशियो है देख सकते हो 3.2। ये आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। एंड इसका कॉन्स में देख सकते हो, कंपनी जो है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो रेड सिग्नल में देखने को मिल रहा है। एंड इसका पुअर जो सेल है आप देख सकते हो, लास्ट 5 ईयर का जो माइनस में चल रहा है 4.33% है। प्रमोटर होल्डिंग देखा जाएगा इस 19.65% होता है। एंड इस कंपनीज का आप देख सकते हो सेक्टर जो है IT सॉफ्टवेयर है, एंड इंडस्ट्रीज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एंड ये कंपनी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है। एंड इस कंपनीज के आप कॉम्पिटिशन देख सकते हो, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनियों के साथ हो रखा है। इसका टाटा एलेक्सी है, एम्पाइजिस है, जो ऑलमोस्ट ये फेमस कंपनीज है गाइस, इसके साथ कंपटीशन चलता रहता है। एंड इसका क्वार्टर रिजल्ट देख सकते हो गाइस, इन्होंने इस साल का ऑलरेडी अपडेट किया है। इसका जो सेल हुआ है 8 करोड़ इसका सेल हुआ है। एंड इसके खर्चे हुए हैं 7 करोड़ के अराउंड इसके खर्चे हुए हैं। बैलेंस शीट देख सकते हो, कितना इन्होंने लायबिलिटीज लिए रखा है एंड कितना इन्होंने एसेट्स बनाया है। इसका टोटल लायबिलिटीज आप देख सकते हो 336 करोड़ इसका लायबिलिटीज होता है, जो कंपनी है मार्केट कैप से काफ़ी कम कर्जा ले रखा है। इसका टोटल एसेट होता है 336 करोड़, जो कंपनीज है लायबिलिटीज के साथ कंपैरिजन में चल रही है। अब गाइस आप इसका कैश फ्लो देख सकते हो, कितना इसका प्लस में है एंड कितना इसका माइनस में चल रहा है। बट गाइस बता दें, कंपनी का जो कैश फ्लो है माइनस में है ना प्लस में है, बट ये कंपनी मीडियम में इस टाइम ग्रोथ कर रही है। कंपनी के शेयर होल्ड देख सकते हो, कितना प्रमोटर ने किया है। इसका पब्लिक ने बहुत सा ज़्यादा इसका शेयर होल्ड कर लिया है, 80% तक इसका पब्लिक ने शेयर होल्ड कर लिया है। एंड प्रमोटर ने 19.65% तक शेयर होल्ड किया है। अब आप इसका एनुअल रिपोर्ट यहां से चेकआउट करके एयरली वाइज आप सारा इन्फॉर्मेशन आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो आपको सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। आई होप गाइस आप कभी भी किसी भी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते वक्त सारा एनालिसिस सारे डिटेल्स आपको इन्फॉर्म होना चाहिए, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ गाइस वीडियो लाइक ज़रूर करना। एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।